शांत रहिए तो मैं बोलूं। मित्रों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। काफी दिनों से ये उत्सुकता आपके बीच भी थी और जनता के बीच भी थी। भोपाल से आवाज बंद कीजिए पहले। अब मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से। मित्रों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपकी भी उत्सुकता थी और भोपाल की भी उत्सुकता थी। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे हमें बताते हुए प्रसन्नता है। आत्मनोमोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत का हित, ये सन्यासी के जीवन का मंत्र होता है। ऐसी साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से अब उम्मीदवार है। जगत हितायचा का मतलब है भोपाल की जनता का कल्याण और भोपाल का विकास। लेकिन उसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का जन्म ही राष्ट्र के कार्य के लिए हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए हुआ है और जनता की सेवा के लिए हुआ है। और अब इस सेवा में वो राजनीति के माध्यम से भी अपने जीवन को लगाएंगी। अपनी बात वही अब स्वयं कहेंगे। रणनीति बनाई है। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को चुनाव में विजय श्री के लिए संपूर्ण रणनीति हम लोगों ने तैयार की। दिग्विजय सिंह जी को अतिरिक्त लाभ मिल पाएगा। प्रत्याशी के चयन में कोई देरी नहीं हुई। सोच समझकर उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का, सुयोग्य प्रत्याशी का चयन किया है और ये दिन हमारे लिए विजय प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय शिवराज जी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभात जी और यहाँ के सभी पदाधिकारीगण की उपस्थिति में हमारे सांसद जी आलोक जी संजर और सभी विधायक एवं जो भी पदाधिकारी, जिनका भी ये सब पूरा अधिकार क्षेत्र था, सब ने मिलकर के मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रहूं। ये निश्चित रूप से आप भी जानते हैं और हम भी कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति है और वह है कि हमारे पास, हमारे लिए जो शक्ति है वह 15 वर्षों तक माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ रहे और उन्होंने जो प्रदेश को दिया है, आज से प्रारंभ होता है कि वह जनता की ध्यान में पुनः आ जाए और जनता ये समझ जाए कि जो कुछ भी है वो अब छलावा हो सकता है दूसरे लोगों का, दूसरे पक्ष का, किंतु यहाँ जो किया गया है वही बोला जाएगा और जो करेंगे, जो कहेंगे और वो करेंगे। इसलिए आप सबके सहयोग से, सभी के अनुभवों का और सभी के एकजुट एक शक्ति के रूप में कार्य करते हुए और यहाँ से निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त लेकर के देश को सुरक्षित भी करेंगे और देश का विकास भी करेंगे और हम सब देश को समर्पित हैं, इसलिए हम राष्ट्र की अर्चना और वंदना जीवन भर करते रहेंगे। जय भारत। प्रत्याशी के
जो भी षड्यंत्र किए गए हैं वो षड्यंत्र अपनी जगह फेल हो गए हैं। अब तो जो कुछ भी चलाना है वो चलता रहेगा। मैं मुझे आपका स्वागत किया है भोपाल में और लिखा है कि समीय शहर का शांत शिक्षित सुरभ्य वातावरण आपको पसंद आ गया। दिग्विजय सिंह ने आपका स्वागत किया है। करना भी चाहिए। रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं, देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। दिग्विजय सिंह कितने मजबूत कैंडिडेट लगते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते। अधर्मी विधर्मी कभी भी अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है। और मेरे तीन प्रमुख मुद्दे बताइए। सबसे पहले उन्होंने जो बीज बोया है कि हमारे धर्म सनातन धर्म और भगवा को जो अपमानित किया है, जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। दूसरा, गैर कानूनी कानून का दुरुपयोग करना, संवैधानिक जिस प्रकार से नियम होते हैं उस संविधान को तोड़ना, ये उन्होंने किया है। स्त्री को अपमानित भी किया है, गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित भी किया है, और एक स्त्री के लिए उनके मन में क्या है और कांग्रेस की सरकार में स्त्रियों का क्या स्थान है, ये प्रत्यक्ष इसमें आएगा। तीसरा, सन्यासी, मैं एक सन्यासी थी, मुझे किस प्रकार से इन्होंने दुराचार पूर्वक हमें प्रताड़ित किया है, वो मैं पूर्ण उनके सामने समाज के सामने लाऊंगी, उनकी हकीकत लाऊंगी और भगवा को सम्मान दिलाऊंगी और देश को सुरक्षित करूंगी। अब कोई भी, ये मेरा संकल्प है कि कोई भी देश के विरुद्ध बात करने वाला व्यक्ति सचेत हो जाए। फिजिकल फिटनेस तो आगे नहीं आएगी, आपकी फिजिकल फिटनेस की बात करें।